बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा कि फाइल मैनेजमेंट होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह आपकी फाइल्स को मैनेज करता है, और आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ये सीखेंगे कि यूजर यानी आप ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से फाइल्स पर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के अंदर विंडोज एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर वो एप्लीकेशन होती है जहां से आप अपनी तमाम फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि ये विंडोज एक्सप्लोरर आपको क्या क्या फंक्शनैलिटीज प्रदान करते हैं। तो इनमें सबसे पहली है, इट अलाउज यू टू व्यू द कंटेंट्स, फाइल्स और फोल्डर्स ऑफ द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की। यानी विंडोज एक्सप्लोरर पर यूजर अपने कंप्यूटर में मौजूद तमाम चीजों को, तमाम फाइल्स और फोल्डर्स को व्यू कर सकता है, देख सकता है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की यानी लिस्ट और फहरिस्त की शक्ल में तमाम फाइल्स को देख सकता है। और ना सिर्फ आप तमाम फाइल्स को देख सकते हैं बल्कि विंडोज एक्सप्लोरर अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज द फाइल्स एंड द फोल्डर्स, बल्कि उन तमाम फाइल्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। कैसे? विंडोज एक्सप्लोरर ऑफर्स मेनी ऑप्शंस, मेनी एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फाइल्स एंड फोल्डर्स। यानी विंडोज एक्सप्लोरर के जरिए आप एक फाइल पर बहुत से ऑपरेशंस अपनी जरूरत के मुताबिक परफॉर्म करवा सकते हैं, जिनमें पहला है डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर। आप सबसे पहले किसी भी फोल्डर के अंदर मौजूद तमाम कंटेंट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन है क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा रीनेम अ फोल्डर, फोल्डर का पुराना नाम हटाकर उसे एक नया नाम दे सकते हैं। नंबर फोर्थ इज कट एंड कॉपी अ फोल्डर, फाइल्स और फोल्डर्स को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कैसे कट एंड कॉपी कर सकते हैं, कैसे, ये हम आगे इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। और इन द लास्ट पेस्ट एंड डिलीट अ फोल्डर, यानी आप एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब आइए इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और अहम बात कि विंडोज 10 यूज कर रही हूँ, विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर विंडोज एक्सप्लोरर का जो नाम है वो है फाइल एक्सप्लोरर। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि फाइल या फिर विंडोज एक्सप्लोरर दो अलग अलग चीजें हैं, दीज आर द सेम थिंग्स, बस इनके नामों में फर्क है। तो दोस्तों आइए अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसको लॉन्च कैसे कर सकते हैं, इस विंडोज एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर को अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किस तरह खोल सकते हैं। दोस्तों आइए हम ये सीखेंगे सबसे पहले कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किस तरह विंडोज एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने कीबोर्ड पर मौजूद विंडोज की और ई फॉर एलिफेंट यानी ई की जो की है इसको एक साथ प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जो कि कहलाती है फाइल एक्सप्लोरर विंडो या फिर विंडोज एक्सप्लोरर विंडो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक कहलाता है लेफ्ट पेन और दूसरा कहलाता है राइट पेन। लेफ्ट पेन जो कि आपकी दाई जानिब मौजूद है और राइट पेन जो कि आपकी बाएं जानिब मौजूद है। तो दोस्तों लेफ्ट पेन को फोल्डर्स पेन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आपके कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद जितने भी फोल्डर्स होते हैं वो तमाम आपको नजर आ रहे होते हैं, जितने भी बेसिक आपके फोल्डर्स होते हैं वो सब आप देख सकते हैं। जबकि राइट पेन में आपको इन फोल्डर्स में से आप जो भी फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे उस फोल्डर के कंटेंट्स नजर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक डेस्कटॉप का फोल्डर नजर आ रहा है, जब मैं अपने कर्सर को इस डेस्कटॉप के फोल्डर पर लेकर जाऊंगी उसके बाद लेफ्ट क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी फोल्डर्स होंगे वो मुझे इस कंटेंट पेन के अंदर यानी राइट पेन जिसको कंटेंट पेन भी कहा जाता है इसके अंदर वो नजर आ जाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ जो लेफ्ट पेन होता है वहां पर हम अपने तमाम फाइल्स और फोल्डर्स को हायरार्की की शक्ल में, फहरिस्त की शक्ल में, लिस्ट की शक्ल में देख भी सकते हैं। जैसे कि ये आपको कैसे पता लगेगा कि किसी भी फोल्डर का सब फोल्डर मौजूद है, ये आपको पता लगेगा इस एरो के जरिए। जहां भी आपको ये एरो नजर आ रहा होगा इस तरह से ये आपको बताएगा कि इस फोल्डर के मजीद सब फोल्डर्स मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं डेस्कटॉप के आगे देखूं तो मुझे डेस्कटॉप के आगे भी इस तरह का एक एरो नजर आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगी तो डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी फोल्डर्स होंगे मुझे वो नजर आ जाएंगे।
जैसे डेस्कटॉप के अंदर एप्लीकेशन फोल्डर है, इसके आगे भी आपको इस तरह का एक एरो नजर आ रहा है। तो जब मैं इस एरो पर क्लिक करूंगी तो मजीद एप्लीकेशन के अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे वो मुझे नजर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही ऑल चैप्टर्स के आगे एक एरो नजर आ रहा है, मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगी तो मजीद इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं वो नजर आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से चैप्टर वन के आगे एक एरो नजर आ रहा है, उसके ऊपर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगी तो उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे मुझे वो नजर आ जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सब फोल्डर्स हैं उनके आगे आपको कोई एरो नजर नहीं आ रहा, विच मीन्स कि अब इनके अंदर मजीद कोई फोल्डर मौजूद नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये एक हायरार्की की शक्ल में आपको नजर आ रहा है कि पहले एक माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर में जो सब फोल्डर्स है वो है, फिर उसके अंदर जो सब फोल्डर्स हैं उनकी डिटेल्स ये आपको हायरार्किकल फॉर्म में दिखा रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि विंडोज एक्सप्लोरर के जरिए आप तमाम अपने कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स और फोल्डर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं, देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एक और चीज देख सकते हैं कि मैंने अभी डेस्कटॉप का फोल्डर सिलेक्ट किया हुआ है तो उस डेस्कटॉप में जितने भी आइटम्स होंगे वो आपको इस जगह नजर आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चार आइटम्स मौजूद हैं, तो वो आइटम्स की आपको सिंपल सी एक इंफॉर्मेशन ये स्टेटस एरिया में आपको नजर आ रही होगी। तो दोस्तों ये था डिस्प्ले ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर के, विंडोज एक्सप्लोरर के जरिए आप किस तरह अपने फाइल्स और फोल्डर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि हम विंडोज एक्सप्लोरर के जरिए परफॉर्म करवाते हैं वो है क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो दोस्तों मान लें आपको डेस्कटॉप के ऊपर कोई फोल्डर क्रिएट करवाना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे, ये पॉइंटर लेकर जाएंगे, फिर इसको राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट शो हो जाएगी, उस लिस्ट के अंदर आप सबसे पहले न्यू पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे, न्यू पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे और न्यू के आगे आपको फोल्डर बना हुआ एक फोल्डर नाम नजर आ रहा है। तो जैसे ही आप इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक फोल्डर डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही एक और फोल्डर क्रिएट करके मैं आपको दिखाती हूँ। आप न्यू पे अपना कर्सर लेकर जाएंगे, फोल्डर के पास कर्सर लाएंगे और लेफ्ट क्लिक दबा देंगे तो आप देख सकते हैं कि एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही तमाम फोल्डर्स के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप इसी तरीके से राइट क्लिक करके ऑप्शंस को सिलेक्ट करके न्यू पर जाकर एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज है हम वो कर सकते हैं वो है रीनेम अ फोल्डर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पर आपको अभी बहुत सारे फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, अब आप किसी एक फोल्डर के नाम को तब्दील करना चाहते हैं, उसको रीनेम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वही पुराना वाला काम करेंगे। अपने कर्सर को जिस भी फोल्डर को आपने रीनेम करना है उसके पास अपना कर्सर लेकर जाएंगे, उसको राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे और उन तमाम ऑप्शंस में नीचे आपको कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कट कॉपी डिलीट और रीनेम। डिलीट के नीचे आपको रीनेम का ऑप्शन नजर आ रहा है तो आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि अब आपका कंप्यूटर सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये कह रहा है कि अब आप इसको रीनेम कर सकते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड पर मौजूद बैकस्पेस की को दबाएंगे। जैसे ही आप बैकस्पेस की को दबाएंगे अब उसके ऊपर आपको कोई नाम नजर नहीं आ रहा और एक कर्सर हिलता हुआ नजर आ रहा है जो कि आपको ये कहेगा कि अब आप अपनी मर्जी का नाम इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको नाम दे देती हूँ ABC फोल्डर और इस ये देने के बाद सॉरी फोल्डर और ये देने के बाद जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस फोल्डर का नाम अब रीनेम हो गया है, चेंज हो गया है, ABC फोल्डर हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों अभी तक हमने तीन काम करना सीखे कि किस तरह हम तमाम फोल्डर्स और फाइल्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं, इसके बाद किसी भी फोल्डर को क्रिएट करना सीखा है और नंबर थर्ड वन इज रीनेम अ फोल्डर, यानी किसी फोल्डर को आप किस तरह रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा काम है जो हम किसी भी फाइल और फोल्डर पर कर सकते हैं वो है कॉपी द फोल्डर। तो दोस्तों कॉपी के मायने बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जैसे आप फोटोकॉपी मशीन के जरिए अपने पेजेस को एक पेज की मुख्तलिफ कॉपीज को जनरेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप एक ही फाइल की मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं और एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह उसकी कॉपी को भेजना चाहते हैं तो वो आप करेंगे
कॉपी एक्शन के थ्रू। वो कैसे होगा दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल यहाँ डाउनलोड्स के अंदर एक फाइल है लेक्चर 12 बाइनरी नंबर सिस्टम्स। अब मैं इस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं इसकी कॉपी जनरेट करूंगी। कॉपी जनरेट करके ही मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये डाउनलोड्स है और मुझे इस एबीसी फोल्डर के अंदर इस फाइल को भेजना है, इस फाइल को मूव करवाना है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे और उनमें एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कॉपी का। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगी और जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करूंगी ये फाइल अब कॉपी हो चुकी है। अब मुझे इसको पेस्ट करवाना है। दोस्तों याद रखिए, पेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह रखना, प्लेस करना। तो अब मैंने यहाँ से वो चीज उठा ली है, लेक्चर 12 बाइनरी नंबर सिस्टम। अब मुझे इस एबीसी फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट करना है। तो मैं एबीसी फोल्डर पे आऊंगी, उसके बाद राइट क्लिक करूंगी। जब मैं राइट क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी पेस्ट का ऑप्शन, यानी इस पेस्ट के ऑप्शन पर लेफ्ट क्लिक करूंगी। और जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लेक्चर बाइनरी नंबर सिस्टम, लेक्चर 12 बाइनरी नंबर सिस्टम की फाइल कॉपी हो चुकी है। यानी ये यहाँ तो मौजूद ही है लेकिन ये यहाँ पर इसकी एक कॉपी जनरेट हो गई है। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया कि आप किस तरह किसी भी फाइल को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो पांचवा एक्शन हम फाइल पर कर सकते हैं वो कहलाता है कट अ फाइल, यानी आप किसी भी फाइल को किस तरह कट और पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, कट के माने होते हैं कि एक फाइल को एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह प्लेस करना, यानी एक जगह से वो फाइल आप हटा के उसे दूसरी जगह प्लेस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एक फाइल है टेक्लॉजिक्स की, तो मैं इसके ऊपर ऐसे ही लेफ्ट राइट क्लिक करूंगी। यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन नजर आ रहा है कट का। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगी तो ये फाइल अब यहाँ से कट हो गई है। अब मुझे इसको इस एबीसी फोल्डर के अंदर लाकर प्लेस करना है, पेस्ट करना है। तो मैं इस एबीसी फोल्डर पे आऊंगी, राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करते ही यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इनमें मुझे एक ऑप्शन नजर आएगा पेस्ट का। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये फाइल रिमूव हो गई है और यहाँ आकर प्लेस हो गई है, यहाँ पर आकर पेस्ट हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कॉपी और कट के अंदर क्या डिफरेंस है। कॉपी का मतलब होता है कि एक फाइल उस जगह पर मौजूद रहकर आप उसकी कई कॉपीज को अलग अलग फोल्डर्स के अंदर जनरेट करवा सकते हैं, जबकि कट के मायने होते हैं कि एक फाइल को यहाँ से कट करना, रिमूव करना, हटाना और हटाकर उसको किसी और जगह पर प्लेस करना। तो दोस्तों ये था कट और कॉपी का डिफरेंस। इसके बाद जो छठी चीज हम किसी भी फाइल पर कर सकते हैं वो कहलाती है डिलीट अ फाइल। दोस्तों डिलीट के मायने होते हैं कि आप एक फाइल को बिल्कुल ही हटाना चाहते हैं जिसका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, उन ऑप्शंस के अंदर से आप एक ऑप्शन डिलीट जो है उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो फाइल अब रिमूव हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। और डिलीट होकर वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी आपके रिसाइकल बिन के फोल्डर के अंदर, जिसको हम दोस्तों डिलीट का काम जो है हम बहुत ज्यादा डिटेल में रिसाइकल बिन को आपके लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वहां जाकर ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे तमाम एक्शंस जो कि हम किसी भी फाइल पर परफॉर्म करवा सकते हैं, जिनमें हमने डिस्प्ले अ फाइल सीखा, क्रिएट अ फाइल एंड फोल्डर सीखा, उसके बाद रीनेम, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट अ फाइल इन द फोल्डर सीखा। यानी आप किसी भी फाइल पर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं वो आज हमने यहाँ पर देखे हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्क मैनेजमेंट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल देखेंगे, यानी आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह डिस्क को मैनेज करता है, हार्ड डिस्क को मैनेज करता है, उसकी डिटेल्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।